बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। ये आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये किलो जो चिकन है, ये चार टमाटर हैं, ये सब्ज़ धनिया है, ये शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्ची, दो सब्ज़ मिर्ची मैंने काटी है, ये चार पाँच नींबू है, ये अदरक और लहसुन है, ये प्याज है, ये का मैंने हल्का डाल दिया इसके अंदर। ये बड़े साइज़ के तीन टमाटर प्याज थे जो मैंने बारीक काट दिए, ये इसके अंदर डालूँगी। ये प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, ये डाल रही हूँ। टमाटर और जो लहसुन अदरक है, ये ग्रैंड कर, ये लहसुन अदरक है, ये भी डाल रही हूँ, ये ग्रैंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हल्का सा प्याज हो गया, आप इसके अंदर चिकन डालेंगे। इधर को मैंने अच्छी तरह वाश करके छानी में डाल दिया था और इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह। नमक इसके अंदर साथ ही डाल दूंगी, एक टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, इससे प्याज भी गल जाता है और चिकन के अंदर भी चला जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, ये दही है, ये डाल रही हूँ आप आधा कप, ये नींबू का रस निकाला है, ये डाल रही हूँ, ये कढ़ाई मसाला है, ये दो टेबल स्पून ये डालूंगी इसके अंदर, ये हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून और सूखी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह भून लूंगी, सारा इसके अंदर खुशक होगा। स्नेहर भी छोड़ दिया, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा कर ढकना लगा तो कवर कर 10 मिनट तक, ये चिकन गल भी जाएगा। अभी 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए, हम इसका ढकन खोलने लगे हूँ, अच्छी खुशबू आ रही है, तैयार हो गया, बंद कर दिया उसके अंदर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च है वो डाल रही हूँ, सब्ज़ धनिया ये डाल रही हूँ, उसके अंदर गर्म मसाला डालेंगे, हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला पीसा हुआ, अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप भी बनाना इसी तरह हांडी में, हांडी का अलग ही जायका होता है। हमारी वीडियो पसंद आए आपको, लाइक करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। खुशबू आ रही है, साथ में भी रोटी हो या नान हो, अलग इसका मजा आता है। दुआ में याद रखना।